ओके है एवरी वन सो टूडे लेट्स डिस्कस दिस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सो इट्स एज इन रियर व्हील ड्राइव कार्स द इंजन रोटेट्स द रियर व्हील्स एंड द फ्रंट व्हील्स रोटेट ऑनली बिकॉज द कार मूव्स इफ सच अ कार एग्जिलरेट्स ऑन अ हॉर्जोंटल रोड द फ्रिक्शन फाइन सो हम एक काम करते हैं पहले डिस्कस करते हैं कि जो रियर व्हील ड्राइव कार्स हैं वो किस तरह से एक हॉर्जोंटल रोड पे एग्जीलेट कर सकती है ओके सो लेट्स इट दिस इज़ आ रियर व्हील ड्राइव कार राइट इनिशियली ये कार रेस्ट में है so सो कितने फोर्सेज लगेंगे एक तो एम जी लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड जो कि बैलेंस हो जाएगा बाय द नॉर्मल रेरेशन फ्रॉ द ग्राउंड अब नॉर्मल रेरेक्शन कहाँ पर लगेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे सो so, यहाँ पे देखो दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है एक्चुअली चार होंगे लाइक फोर व्हील्स पे फोर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे बट फॉर द टाइम बिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे पॉइंट पी है राइट right? जो रियर व्हील है उसमें पॉइंट पी है और जो फ्रंट व्हील है उसमें पॉइंट क्यू है जो दो व्हील्स और हैं उसमें भी सेम होगा सो लेट्स स्टडी दीज टू व्हील्स है ना एक आगे वाला और एक पीछे वाला सो so, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एन वन एंड एन टू जो कि बैलेंस करेगा इसके वेट को ना वॉट विल हैपन कि इनिशियली कार रेस्ट में अब आप इस कार का इंजन स्टार्ट करते हैं एंड रियर व्हील ड्राइव कार में क्या होता है कि जो इंजन होता है ना वो अटैच होता है रियर व्हील से मीन्स इस कार का इंजन अटैच होगा रियर व्हील से और जब हम कार को स्टार्ट करेंगे लाइक वी प्रेस द सो उस टाइम उस पे क्या होगा कि इंजन टॉर्क प्रोवाइड करता है राइट right? इंजन क्या करेगा टॉर्क प्रोवाइड करेगा रियर व्हील को किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सो so जो पीछे वाला व्हील है वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो so आप पॉइंट पी को देखो पॉइंट पी की टेंडेंसी है पीछे की तरफ स्लिप करने की विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड सो इसपे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन लेट्स कॉल इट एफ वन अभी क्या हुआ कि पीछे वाले व्हील पे फ्रिक्शन फोर्स आ गया एफ वन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन नाउ आप कार को देखो पूरी कार पे सिर्फ एक ही एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज एफ वन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन राइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कार पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज एफ वन सो so, कार क्या करेगी एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेट्स से विथ एक्सेलरेशन ए राइट सो जैसे ही कार मूव करेगी नाउ पॉइंट क्यू को देखो पॉइंट क्यू भी ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में है और वहां पे भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है सो वॉट विल हैपन कि अब पॉइंट क्यू की टेंडेंसी है आगे की तरफ मूव करने की विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्योंकि पूरी कार अगर आगे की तरफ मूव कर रही है देन पॉइंट क्यू भी आगे के तरफ Q की तरफ मूव करेगा इट मीन्स पॉइंट क्यू की टेंडेंसी है आगे की तरफ स्लिप करने की विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड सो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन लेट्स कॉल इट एफ टू अब इस कार की अगर हम फ्री बॉडी डाइग्राम देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस की बात करें सो so, एक एफ वन लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक एफ टू लग रहा है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन अगर कार को एक्सिलेट करना है देन एफ वन मस्ट बी ग्रेटर देन एफ टू देन ओनली दिस कार कैन एक्जिलरेट राइट सो व्हाट हैपन्स कि देखो जो एफ टू है ना वो एक्चुअल केस में लेस होता है देन एफ वन एफ वन इज द रिस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर द एक्सलरेशन ऑफ द कार एफ का काम क्या है एफ का काम है कि ये जो आगे वाला व्हील है इसे रोटेट करना आप देखो एफ के कारण जो आगे वाला व्हील है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा सो दोनों व्हील्स अब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और कार एक्सिलरेट करना स्टार्ट कर देगी सो लेट्स चेक द ऑप्शंस ऑन द रियर व्हील्स इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन राइट ऑन द फ्रंट व्हील्स इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन राइट ऑन द रियर व्हील्स हैजार्जर मैग्नीट्यूड दैन द फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट व्हील्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑन द कार इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन नो on the car that is in the forward direction that uh, then only this car can accelerate right uh, f1 must be greater than f2 so i think you have understood let me know if you still have any confusion we can discuss further okay guys keep working hard best of luck bye <laughs>